Hello and good evening to everyone. This is AP Thakur. Welcome you all to Motivation Josh channel. Yeh video Hindi aur English mein bataya jayega. This is not just a channel made for motivation. Instead of this channel is relevant to our studies. Yahan aapko pratidin daily current affairs ke video aur general awareness session ke top 20 questions ke video milengi. Do like, share and subscribe to our channel. अपना प्यार हमेशा हम पर बनाए रखें. आपके प्यार की ज़रूरत सभी को है. विनम्र रहें. कीप पेशेंस. आई होप यू वुड लव टू गिव योर 100% सपोर्ट योर 100% एफर्ट. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट स्काई चैम्पियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी. रोबोट स्काई चैम्पियनशिप दैट इज द आंसर इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया में ये आयोजित किया जाएगा. साउथ कोरिया में ये आयोजित किया. सो द आंसर इज साउथ कोरिया. अब हम लोग इसी के सेगमेंट्स में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं. तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन हैं? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन इसके प्रेसिडेंट हैं. और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन. और तो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन. और साउथ कोरिया का कैपिटल आप याद रखें दैट इज़ सियोल. साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नॉर्थ नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग. दैट इज़ प्योंगयांग. उसका कैपिटल क्या है? प्योंगयांग. स्पेलिंग में आप मिस्टेक ना करें. PYONGYANG प्योंगयांग. नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? सो द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज़ बर्न. दैट इज़ बर्न. इसका कैपिटल है बर्न. और इसके प्रेसिडेंट है एलान बर्सेट. स्विट्जरलैंड की कैपिटल है एलान बर्सेट. लेकिन आप याद रखें रशिया में ये आता है स्विट्जरलैंड. और रशिया का कैपिटल क्या है? ब्रसल्स. रशिया का कैपिटल है ब्रसल्स. और मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोला लामपुर. मलेशिया की कैपिटल है क्या? कोला लामपुर. मलेशिया की कैपिटल है कोला लामपुर. QUKULA कोला लामपुर. LAMPUR ध्यान रखें आप. कोला लामपुर हो गया. और हम लोग नेक्स्ट आते हैं. कोला लामपुर हो गया. और इसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं पर्डेना मेंटरी. दैट इज़ PERDANAMENTERI परडेना मेंटरी इसके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है नन अनदर देन अश्विनी कुमार. ठीक है, ये बुक लिखी है होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी अश्विनी कुमार के द्वारा. और आशा पारेख ने क्या लिखा है? आशा पारेख भी एक बुक की राइटर हैं. दैट इज़ द हिट गर्ल. द हिट गर्ल. ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन पे. अमर्त सेन ये एक इकोनॉमिस्ट हैं. और पीटर हैंड के इनके बारे में भी कुछ सुना गया है. दैट इज इट ही समथिंग. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट बट आई लेटर आई टेल यू द आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ वॉन पोलो उमर कप ट्रॉफी 17-18? दैट इज़ नन अनदर दैन विराट कोहली. ही इज़ विराट कोहली. हमारा कैप्टन विराट कोहली. और हम लोग आते हैं. ये देखिए विराट कोहली. और इधर हाल फिलहाल में हुआ था वर्ल्ड कप. दैट इज़ वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स के. इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था. जीता कौन है? इंग्लैंड. हारा कौन था? न्यूजीलैंड. और केन विलियमसन कैप्टन है. किसके? न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन है? कैप्टन केन विलियमसन. हारे थे वो हार बहुत ही दुखद थी. पर क्या कर सकते हैं, किस्मत में वही लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द हिट गर्ल पुस्तक के लेखक अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करा है ये आंसर. दैट इज़ आशा पारेख. और याद रखें आप मलाला यूसुफ़ज़ई. आपको पता है कल मैंने डिस्कस करा है ये क्वेश्चन को. तो मलाला यूसुफ़ज़ई का बुक का नाम था वी आर डिस्प्लेस्ड. शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. और पीटर हैंडके के बारे में बता दें, ये है डॉन जुआन बुक के राइटर हैं. डी ओ एन
जे यू ए एन बुक के राइटर हैं, और आशा पारेकर हम जान गए हैं। और कोई और क्वेश्चन छूट रहा? अश्विनी कुमार, इट इज़ येट डिस्कस्ड बिफोर दैट इज होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी पुस्तक लेखक कौन थे? अश्विनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का हेड है कौन? ऋषि कुमार शुक्ला। इस पर हम लोग डिटेल पे आते हैं थोड़ा। ऋषि कुमार शुक्ला हैं, इसके आंसर दैट इज ऑप्शन सी, ऋषि कुमार शुक्ला। अब हम लोग आते हैं पहले ऑप्शन पे, दैट इज़ विजय कुमार चोपड़ा। मैंने ऑप्शन दिया है तो कुछ कारण है, दैट इज़ विजय कुमार चोपड़ा भी हैं किसी के डायरेक्टर, अध्यक्ष, निदेशक, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट आते हैं नलिन सिंघल, ये किसके हैं? तो ये BHEL भेल के हैं। CEO कौन है? नलिन सिंघल। और भेल के निदेशक हैं, दैट इज़ डायरेक्टर, दैट इज़ अतुल सोबती। अतुल सोबती हैं भेल के डायरेक्टर। और NCERT के कौन हैं? ऋषिकेश सेनापति, ऋषिकेश सेनापति हैं NCERT के डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफिस ऑफ इंडिया। उसके चेयरमैन कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफिस ऑफ इंडिया। उसके हेड कौन है? दैट इज़ अजय त्यागी, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अजय त्यागी। हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ फेक्साई तूफान, दैट इज़ स्टॉर्म, हैज़ केम इन विच कंट्री इन सितंबर 2019। फेक्साई तूफान कहाँ पे आया था? ये जापान में आया था, दैट इज़ टोक्यो जापान, ये आया था। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ़ BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके हेड कौन है? दैट इज़ पी के परवार। पी के परवार में आप कंफ्यूजन ना करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन को, दैट इज़ प्रवीण कुमार परवार। गुरदीप सिंह आप जानते हैं NTPC के हैं। अजय बिसारिया कौन है? अजय बिसारे इज़ अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन एंड इट कैन कम इन द एग्जामिनेशन। ये पाकिस्तान के राजदूत हैं, अजय बिसारिया पाकिस्तान के राजदूत हैं। और विजय कुमार चोपड़ा को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वो एक डायरेक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दिस क्वेश्चन कैन कम ऑन एग्जामिनेशन, दैट इज़ अजय बिसारिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनूप कुमार सिंह, ये डी क्या है? BSF के DG है, दैट इज डायरेक्टर जनरल हैं, BSF के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द CEO ऑफ BMW, BMW कार बेस्ट कार में आती है भाई, हमें बहुत पसंद है। CEO कौन है BMW के? तो ये हैं हेराल्ड क्रूगर, BMW के CEO हैं हेराल्ड क्रूगर। डेल के हैं माइकल बी डेल, डेल के CEO है माइकल बी डेल। पीटर बेकर ये किताब लिखे हैं, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन है? पीटर बेकर। और पीटर हैंडकी के बारे में हम लोग जानते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, डॉन जुआन बुक के राइटर हैं, डॉन जुआन बुक के राइटर है पीटर हैंडके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक चाणक्य चैंड, चाणक्य चैंड पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य चैंड के पुस्तक लेखक है अश्विनी संघी, दैट इज़ ऑप्शन ए पी के परवार, एज वी हैव डिस्कस दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ हर्ट डे, सॉरी दैट इज़ हर्ट डे, आई एम मिस रॉन्ग, वर्ल्ड हर्ट डे, हृदय दिवस कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या था? यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है सितंबर में, आप उसे सही कर ले, SCPT बाय द मिस्टेक ऑफ मी आई हैव रिटन रॉन्ग। और इसके इसका आंसर हो जाएगा 29 सितंबर, देखिए मैंने आंसर में गलती कर दिया, दैट इज़ 29 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा हर्ट डे माने हृदय दिवस 29 सितंबर को। और इसका थीम क्या था? एज़ इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, दैट इज़ माई हर्ट योर हर्ट, मेरा दिल आपका दिल, माई हर्ट योर हर्ट इसका थीम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे वहाँ 5 सितंबर को राष्ट्रीय मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, याद रखें आप 5 अक्टूबर को, बहुत ही आसान है। टीचर्स डे अपना 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, दैट इज़ ठीक है, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या विश्व में। और इसका थीम क्या था? यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, लिख देता हूँ यंग टीचर्स
द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल निमोनिया डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? इंटरनेशनल निमोनिया डे कब मनाया जाता है? दैट इज़ इक्वल टू 12 नवंबर. याद रखें आप, 12 नवंबर को मनाया जाता है. 12 नवंबर, दैट इज़ ऑप्शन बी. ठीक है, और इसका थीम क्या था निमोनिया डे का? हेल्दी लंग्स फॉर ऑल. इसका थीम था इंटरनेशनल निमोनिया डे का थी, और थीम था हेल्दी लंग्स फॉर ऑल, स्वच्छ फेफड़ा सभी के लिए. आर्मी कमांडर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्मी कमांडर मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? आर्मी कमांडर की मीटिंग कहाँ हुई थी हाल फिलहाल में? दैट इज नन अदर देन न्यू दिल्ली. भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ पे हुआ था न्यू दिल्ली में. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ एनएसजी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हेड कौन है? ब्लैक कैट कमांडोज आर एनएसजी कमांडोज विच आर इन द सिक्योरिटी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी एज वेल. इट इज़ अ वेरी वेरी हाई काइंड्स ऑफ अ सिक्योरिटी. इट कांट बी एस्केप्ड फ्रॉम एनी ऑफ द आई कैचिंग. दे आर द आई कैचिंग पर्सनैलिटीज एज दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एबिलिटीज दैट दे कैन डिफीट 10,000 पीपल्स. They have the capacity to defeat any kind of a person in any kind of a situation. They are well practiced. So the head of NSG, that is National Security Guard, ka head kaun hai? That is Anup Kumar Singh. We have discussed, I guess, earlier. MR Kumar kaun hai? LIC ke chairman hai MR Kumar. Pipin Rawat kaun hai? Pehle CDS. Mukund Narwane. Ye hamare army ke head hai. Next question pe aate hain. Delhi CM अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च करा है एक ऐप दिल्ली के जनतावासी को जोड़ने का, वो कौन सा ऐप था? बहुत ही ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर है AK, दैट इज़ अपने नाम पे उन्होंने रखा है AK, दैट इज़ अरविंद केजरीवाल ऐप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च HDFC's बैंक प्रगति रथ? HDFC प्रगति बैंक रथ का लॉन्च किसने करा है, किस स्टेट ने करा है? दैट इज़ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी फिल्म फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? गांधी फिल्म फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज इन दैट इज़ हेल्ड इन मुंबई. गांधी फिल्म फेस्टिवल, सो द आंसर इज़ मुंबई. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, दैट इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ ऑफ टैक्स फॉर बाइंग ई व्हीकल्स? ई व्हीकल्स को खरीद पे छूट किस राज्य सरकार ने दिया? दैट इज़ MP, मध्य प्रदेश ने यह छूट दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट स्काई साइकिलिंग पार्क विल बी ओपन? स्काई साइकिलिंग पार्क ओपन करा जाएगा किस सिटी में? दैट इज़ मनाली में करा जाएगा ये. नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों की संख्या किस देश में है? दैट इज़ चाइना. और इंडिया में सबसे युवा एट इस 65-60% 35 के नीचे हैं. सो वी आर द यंग कंट्रीज. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग हेयर. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन. डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अपना प्यार हमेशा हम पर बनाए रखें. आपके प्यार की ज़रूरत सभी को है. विनम्र रहें और पेशेंस रखें, सक्सेस आपकी होगी. सो थैंक यू एवरीवन. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी वेरी मच.